हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, क्लास 10वीं में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इससे से, यानी कि आपको इससे दिया जाता है जिसे निबंध कहते हैं हिंदी में, 6 नंबर का आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे को निबंध को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हेडिंग जो होता है आपको इंट्रोडक्शन, ये मेन हेडिंग होगा सबसे पहला, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा परिचय, यानी जैसे हम लिख रहे हैं बेस्ट फ्रेंड पर अपने दोस्त के बारे में, तो अपने दोस्त के बारे में हम यहाँ पर पहले बताएंगे। तो सबसे पहले लाइन आपको इस तरह से लिखना है, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज राहुल, यानी मेरे मित्र का नाम क्या है, राहुल है। तो आप लोग जो आपके जो दोस्त हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखेंगे ही इज वेरी ट्रू फ्रेंड, वह सच्चा मित्र है। फिर आगे लिखेंगे हम मीटिंग ए ट्रू फ्रेंड इज गॉड गिफ्ट, मतलब ऐसा दोस्त मिलना हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, मतलब ईश्वर का गिफ्ट है। फिर आगे इसके बाद हम लिखेंगे ट्रू फ्रेंड्स आर गिफ्ट लाइफ टाइम विथ इन हैप्पीनेस एंड सारो, इसका मतलब ये हुआ कि जो सच्चा दोस्त होता है वह खुशी और दुख दोनों में काम आता है, यानी हमारे जीवन में जो है जो दोस्त होता है वह सुख और दुख दोनों में काम में आता है। इसका हैप्पीनेस मतलब खुशी एंड सारो मतलब होता है दुखी। उसके बाद ये हो गया, इस तरह से हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में ये चीजें। उसके बाद हम दूसरा हेडिंग डालेंगे His personality, मतलब उसका व्यक्तित्व, यानी जो आपका दोस्त है तो उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो दिखने में कैसा है, पहनता क्या है, उस वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही इज ए सिंपल बॉय, वह एक सिंपल लड़का है, मतलब सादा लड़का है। फिर आगे लिखेंगे ही वियर्स वेरी प्लेन क्लॉथ, मतलब वह सादा कपड़ा पहनता है, मतलब एकदम सिंपल कपड़ा पहनता है। He is 16 years old, मतलब वह 16 साल का है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं 16 साल, 14 साल, 15 साल, जो भी। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखेंगे He is not afraid, मतलब वह घमंडी नहीं है। फिर आगे लिखेंगे His heart is truthful, उसका दिल सच्चा है, मतलब क्या है, His heart is truthful, मतलब उसका दिल सच्चा है। किसका दोस्त, जो आपका दोस्त है उसका दिल जो है बहुत ही सच्चा है, हिज हार्ट इज ट्रूथफुल, ये लिखेंगे। अगली लाइन लिखेंगे ही रिस्पेक्ट्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग, मतलब वह छोटे और बड़े लोगों का हमेशा रिस्पेक्ट करता है, मतलब सम्मान करता है। ये आपको हर हिज पर्सनालिटी पे लिखना है। अगर ये वीडियो लड़कियां देख रही है, मतलब वो अपने दोस्त के बारे में लिखेंगे, तो जहाँ यहाँ हिज पर्सनालिटी लिखा है ये लड़कों के लिए हो जाएगा। हर जो लड़की अगर देख रही है, अगर वो लड़की अपने दोस्त के बारे में लिख रहा है, तो हिज की जगह हर लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाते हैं अगला हेडिंग फैमिली बैकग्राउंड, मैंने यानी कि आपका जो दोस्त है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ये हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे राहुल फादर इज ए फार्मर, राहुल कौन है, हमारा दोस्त है। आप लोग अपने दोस्त का नाम लिखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर हमारा जो दोस्त है उसका नाम है राहुल, तो राहुल फादर इज ए फार्मर, राहुल के पिता किसान हैं, कौन है, किसान हैं। फिर आगे हम लिखेंगे हर मदर हैंडल द हाउस, यानी उसकी माता जो है घर को संभालती है। फिर आगे लिखेंगे हर फादर राहुल वांट टू मेक ए डॉक्टर, यानी उसके पिता राहुल को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये हो गया फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद हम अगला हेडिंग लिखेंगे, अगला हेडिंग है हिज क्वालिटीज एंड हॉबीज, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, और उसका सपना क्या है, आपके दोस्त का जो गुण क्या है और आपके दोस्त का सपना क्या है, ये हेडिंग हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माई फ्रेंड राहुल इज वेरी टैलेंटेड, यानी कि मेरा
मित्र राहुल जो है बहुत ही टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। आगे लिखेंगे ही इज सॉफ्ट स्पोकन, इसका मतलब यह हुआ कि वह जो है बहुत ही नरमी से बोलता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है। फिर आगे लिखेंगे ही, ये रीड है आर ई ए डी, ये आप स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है ये वाला। ही रीड आर ई ए डी, ही रीड एट द टाइम ऑफ रीडिंग, इसका मतलब ये हुआ वह पढ़ने के समय पढ़ता है। फिर एंड और प्लेज एट द टाइम प्लेइंग, और एंड लिखे यहाँ पे और खेलने के समय खेलता है। वह पढ़ने के समय पढ़ता है और खेलने के समय खेलता है, ये इसका अनुवाद होगा। ही रीड एट द टाइम ऑफ रीडिंग एंड प्लेज एट द टाइम प्लेइंग, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हिज ड्रीम इज, यानी उसका सपना क्या है इसके बारे में लिखेंगे। हिज ड्रीम इज टू बिकम ए डॉक्टर बाय दैट रीड, मतलब वह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता है। जो राहुल है, जो हमारा दोस्त है, उसका क्या सपना है, उसका सपना है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा सा डॉक्टर बनूंगा। फिर अगला हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे, लास्ट जो है यहाँ पर हेडिंग रहेगा। तो लास्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा माई ओपिनियन अबाउट हिज, मतलब मेरा सोच उसके बारे में। मतलब जो है इसमें कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं अपने दोस्त के बारे में, मतलब आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। जैसे आप लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, तो आपका जो मित्र है, तो आप क्या सोचते हो कि हमारा मित्र क्या कर सकता है आगे, उसके बारे में आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यह भी लिख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई अप्रिशिएट हिज एंड आवर फ्रेंडशिप नॉट गेट अफेक्टेड इन एनी कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ मैं उसका सराहना करता हूँ और हमारी दोस्ती किसी भी हाल में ना टूटे। ये हमारा ओपिनियन है, और हर दोस्त जो है यही चाहेगा कि उसका जो दोस्ती है वो टूटे ना। तो आपको ये लाइन जरूर अच्छे से लिखना है, थोड़ा बड़ा जरूर है, हार्ड है, मगर आपको जरूर ये लाइन लिखना है। क्या लाइन है, आई अप्रिशिएट हिज एंड आवर फ्रेंडशिप नॉट गेट अफेक्टेड इन एनी कंडीशन, ये आपको जरूर लिखना है। फिर आइए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या लिखना है, आई विश आवर फ्रेंडशिप कंटिन्यूस फॉर एवर, इसका मतलब ये हुआ कि काश हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे, मतलब जो है मैं काश हमारी ऐसी दोस्ती बनी रहे या हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहे। उसके बाद आगे हम लिखेंगे आई लव हिज सो मच, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर आगे लिखेंगे मैं MAY में ही लिव लॉन्ग, मतलब इसका मतलब यह हुआ वह लंबे समय तक जीवित रहे। ये आपको जरूर, ये लाइन को जरूर लिखना है, क्योंकि यह बहुत ही इफेक्टिव डालेगा, जो टीचर जांचते समय उसको हाँ लगेगा कि हाँ ये अच्छा से यह लिखा है। खराब है अंग्रेजी की आप लोग, मगर अच्छे से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर में 6 नंबर पूरा मिल सके। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड आपको काली पेन से लिखना है। जितने भी हेडिंग है बोर्ड एग्जाम में काली पेन से डालना, जैसे यहाँ पे आपने लिखा इंट्रोडक्शन, ये काली पेन से लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऐसा डैश लगा दें, ऐसा एक पाई खींच देना, इसे अच्छा लगेगा डैश करके। ये जो चीज़ें हैं नीले पेन से लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी काली और नीले पेन का ही प्रयोग करना, तीसरा पेन का प्रयोग मत करना। जितने भी हेडिंग है उन सभी को काली पेन से डालना, और जितने भी लिखने का रहेगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है उन सभी को केवल नीले पेन का ही प्रयोग करना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर हिज पर्सनालिटी, फिर अगला फैमिली बैकग्राउंड, फिर अगला जो डालना है हिज क्वालिटीज एंड हॉबीज, और लास्ट जो है आपको डालना है माय ओपिनियन अबाउट हिज। बस इतना ही हेडिंग डाल के आपको अच्छे से लिखना रहेगा। अगर आपने अच्छे से लिखा रहेगा तो आपको 6 में से 6 पूरा बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।